मुख्तार मस्त, डिप्टी जेलर पस्त। जेल में वीवीआईपी सुरक्षा पर चला योगी का डंडा। योगी राज में गुंडों का नहीं होगा सत्कार। बांदा के डिप्टी जेलर पर गिर गई गाज। जब से यूपी में योगी का राज आया है, अपराधी अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, चाहे फिर वो मुख्तार हो या फिर अतीक अहमद। जी ध्यान से सुनिएगा, मुख्तार को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर योगी का डंडा कैसे चला, कैसे मुख्तार के मददगारों को योगी के एक्शन से चुटकी बजाते ही सीधा कर दिया गया, पुलिस वाले ही नब गए। जी हुआ ही कुछ ऐसा ही, क्योंकि मुख्तार को जेल में घर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने की खबर जैसे ही डीएम बांदा को लगी, तो फिर क्या था, डीएम बांदा खुद कारागार पहुंच गए। डीएम साहब की एंट्री होते हुए देख हड़कंप मच गया। डीएम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि डीएम साहब ने देखा कि मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसी को देखते हुए डीएम ने एक्शन ले लिया। बांदा जिले में आनन फानन में डीएम की रिपोर्ट के तहत डिप्टी जेलर के साथ साथ चार बंदी रक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया गया। मामले की गर्माहट को देखते हुए डीआईजी संजीव त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, जेल में सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। कहते हैं बांदा जेल को हमेशा से ही सुरक्षा के लिहाज से अलग ढंग से देखा जाता है। अंदर ही अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट की भनक अब तक पुलिस महकमे को क्यों नहीं लगी, डीएम साहब इसी बात पर गुस्से में आ गए थे। दरअसल औचक निरीक्षण के दौरान जेल में गंभीर अनियमितताएं देखी गई, जिसके बाद डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया। जांच के बाद जिला शासन ने प्रशासन को पत्र भी लिखा। जिला प्रशासन के पत्र लिखने के बाद शासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन को जेल के अंदर कई संदिग्ध सामान मिले हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में योगी के सख्त लहजे से आप सब वाकिफ हैं। योगी का शुरू से ही एक ही फंडा रहा है, जो बार बार कहते हैं या तो अपराधी अपराध छोड़ दें, वरना पुलिस सुधार देगी। यूपी के अधिकतर माफिया जेल में हैं, कुछ सरेंडर कर चुके हैं। तभी तो जिस डॉन मुख्तार अंसारी को कभी पुलिस भी सलाम किया करती थी, आज वही सलाखों के पीछे है। यूपी की सियासत में हमेशा ही बाहुबलियों का एक अलग बोलबाला रहा, जो जितना बड़ा बाहुबली सत्ता में उसकी उतनी ही धमक। मगर वो दिन गुजर गए, अब योगी का राज है। खैर मुख्तार अंसारी, जिनकी सियासी जमीन का गढ़ पूर्वांचल माना जाता रहा, अपराध से राजनीति में कदम रखने वाले बाहुबली योगी राज में सलाखों के पीछे हैं। जनाब पर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, फिरौती हो, मर्डर हो, जान से मारने की कोशिश हो, ये तमाम संगीन धाराओं में आज मुख्तार सलाखों के पीछे है। योगी के एक्शन से साफ है कि अपराध और अपराधियों की मदद करने वाले दोनों की कमर तोड़ दो। तभी तो खाकी धारी ही क्यों ना हो, मुख्तार के मददगारों को छोड़ा नहीं जा रहा। वैसे भी जब से पंजाब से मुख्तार बांदा जेल में शिफ्ट हुआ है, तब से ही योगी के खौफ से डॉन के डिप्रेशन में चले जाने की खबरें आए दिन सुर्खियां बनती रहती हैं। अब तो जेल में ही योगी के एक्शन के बाद डॉन के रातों की नींद उड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।